अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरत और मज़े में हो। दोस्तों आज आप लोगों को लेवरी बनाने का एक अलग तरीका बताया गया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सादा लेवरी और एक रंगीना लेवरी है। जैसे ये रंगीना लेवरी बनी हुई, इस तरह तरीका आप लोगों को बताएगा कि इस तरह लेवरी आप आखिर कैसे बनाओगी। तो बहुत आसान तरीका है, वो भी पिक्सार्ट ऐप में। तो हम आप लोगों का स्टेप बाई स्टेप तरीका बताएगा। आप लोगों ने इस वीडियो को पूरी देखना है ताकि आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो सबसे आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपने आना है मोबाइल की स्क्रीन पर, फिर यहाँ पर आना है पिक्सार्ट ऐप पर। पिक्सार्ट पर क्लिक करना है, अगर आपके पास नहीं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। पिक्सार्ट क्लिक करने के बाद अपने जमा वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और फिर इसके बाद इस फ्रेम पे क्लिक करना है। एक अलग फ्रेम है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इसको डाउनलोड करो। फ्रेम पे क्लिक करना है। तो दोस्तों फ्रेम क्लिक करने के बाद आपने आना है ड्रॉ पे क्लिक करना है। ये ड्रॉ वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है, फिर इसके बाद इस पे क्लिक करना है और फिर इसके बाद ये कलर का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। यहाँ से एक कलर को हम सेलेक्ट करना है, हम ये कलर को सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और इसके बाद इस पर क्लिक करना है और फिर आपने ये फेल करना है, ओके करना है। फिर इसके बाद इसको इस तरीके से लाना है, इस तरीके से इसको लाना है, इस तरीके से इसको लाना है और फिर उसके बाद आपने ये वाला ऑप्शन जो है इस पर क्लिक करना है और फिर इसके बाद ये इस पर क्लिक करना है और इसके बाद आपने नीचे आना है। ये वाला ऑप्शन है अर्ली, इस पर क्लिक करना है और इसके बाद आपने इसको हम अभी इसको डिज़ाइन देना है आपने। फिर ये कलर वाला जो ऑप्शन इस पर क्लिक करना है, अब ये सफ़ेद कलर को हम सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों फिर उसके बाद आपने ये सफ़ेद वाला कलर जो है इस पर क्लिक करना है और इसके बाद आपने इसको थोड़ा सा जूम करना है, इसको इस तरीके से लाना है, इस तरीके से इसको लाना है ये। और फिर इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, फिर इसके बाद ये गोल का जो ऑप्शन इस पर क्लिक करना है और फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा जूम करना है, इसको इस तरीके से लाना है, इस तरीके से, इस तरीके से इसको लाना है और फिर इसके बाद इसको फिर आपने इस कलर का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और इसके बाद ये कलर जो सेलेक्ट करना है वही से कलर अभी, फिर उसके बाद इसको इस तरीके से करना है, इसको ऐसे करना है और फिर उसके बाद आपने इस पे फिर क्लिक करना है। इसके बाद इसका तो थोड़ा साइज है, इसको थोड़ा कम करना है इस तरीके से, इसको हम करेगा 70, 70 सही, अभी 70 सही है, ये तो हो गया। और फिर इसके बाद आपने फिर ये कलर का जो ऑप्शन इस पर क्लिक करना है और इसके बाद ये सफ़ेद कलर फिर सेलेक्ट करना है और फिर इसके बाद थोड़ा सा जूम करना है, इसको इस तरीके से करना है, इसका सफ़ेद कलर का जो साइज है इसको थोड़ा सा हम सेव करना है। हाँ ये तो हो गया सेव। फिर इसके बाद इसको इस तरीके से लाना है, इस तरीके से लाना है और फिर इसके बाद आपने फिर कलर जो ऑप्शन इस पर क्लिक करना है और इसके बाद उस कलर को सेलेक्ट करना है और फिर इसके बाद ये इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद ये चार कोने वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और इसके बाद थोड़ा सा जूम करना है, इसको थोड़ा सा जूम करना है, इसको इस तरीके से लाना है। इस कलर नहीं, इस कलर पसंद नहीं इसको, क्या इसको हटाएगा, ये सुर्ख कलर पर हम क्लिक करना है, इसको इस तरीके से लाना है, इस तरीके से इसको लाना है, ये तो हो गया। और फिर इसके बाद आपने ये वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और इसके बाद ये और ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर इसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने इसको शीशा जो है उसको साफ करना है, थोड़ा सा जूम करना है, यहाँ पे उंगली रखना है, इस तरीके से लाना है इसको, ये आगे शीशा है इसको साफ करना है, ये तो हो गया। और फिर इसके बाद ये शेडो वाला जो शीशा है ये दरवाजे पे है, इसको हम साफ करना है, इस तरीके से इसको हम साफ करना है,
ये भी हो गया और इसके बाद ये सेट जो है इसको हम साफ करना है। और फिर इसके बाद पीछे भी थोड़ा कलर देना है, अपने कलर का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, सफ़ेद कलर पे क्लिक करना है। और फिर इसके बाद ये हो गया, फिर इसके बाद इसको इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। और फिर इसके बाद फिर वही है ग्रीन कलर जो है इस पर क्लिक करना है और इसके बाद इसको यहाँ से लगाना है, यहाँ पे इस तरीके से आपको इसको लगाना है। ये हो गया। और फिर उसके बाद आपने ये हो गया, अभी उसके बाद आपने ओके करना है। अभी एक सेट बकाया है, वो कैसे करना है वो भी आप लोगों को बताएगा कि इसको डिज़ाइन कैसे देना है, वो तरीका भी आप लोगों को बताएगा। अभी इसको हम सेव करना है गैलरी में। सेव करने के बाद आपने आना है यहाँ पे, ये टूल्स वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और उसके बाद ये क्रॉप का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और इसके बाद इसको थोड़ा सा इस तरीके से करना है, इस ये सेट जो है इसको ऐसे करना है और इसके बाद ओके करना है। ओके क्लिक करने के बाद इसको सेव करना है। अभी सेव करने के बाद आपने जाना है बैक, बैक जाने के बाद आपने दोस्तों जो हमने सेव किया उस लेवरी पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपने आना है एड फोटो पे क्लिक करना है और इसके बाद एक सेट जो हमने सेव किया इस पर क्लिक करना है, फिर एड पे क्लिक करना है और इसके बाद आपने इसको ये सेट जो है इसको यहाँ पे लगाना है। आपने आना प्ले प्रिस्टोर पे क्लिक करना है और इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है, इसको इस तरीके से लगाना है, इसका साइज थोड़ा कम करना है, इसको इस तरीके से लगाना है, इस तरीके से आपको इसको लगाना है, इस तरीके से इसको लगाना है। थोड़ा सख्त है दोस्तों, हमारा मोबाइल का टच जो है वो भी थोड़ा कमज़ोर है। ये हो गया, तो अभी इसको सेव करना है और फिर इसके बाद आपने इसको ओके करना है और ओके क्लिक करने के बाद अभी इसका हम नाम लिखना है, इसको एड फोटो पे क्लिक करना है और फिर इसके बाद हमें पहले ये वाला चीज़ जो है इसको लगाना है, को यहाँ पे लगाना है और फिर इसके बाद हमने जाना है फिर एड फोटो पे क्लिक करना है और इस पर नाम लगाना है। हमने पहले नाम यहाँ पे रखा हुआ है, एक अलग फोल्डर हमने बनाया है, किधर गया वो दोस्तों, ये नाम भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, इसका एक अलग सा वीडियो हम बनाएगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो हम इस पर क्लिक करना है राना जान जेब, ये नाम लगाएगा हम इसको, इसको यहाँ पे लगाएं। अपने नाम का भी कमेंट करो ताकि हम आप लोगों को इस तरह लोगो बनाऊं, इसको हम यहाँ पे लगाना है। ये हो गया, फिर इसको हम यहाँ से कॉपी करना है, मतलब डबल करना है इसको और इसको यहाँ पे लगाना है, इसको यहाँ पे लगाना है। अभी ये हो गया तो उसको हम अभी सेव करना है। तो दोस्तों हमारा लेवरी जो है वो अभी सारा तैयार हो गया और नाम आप खुद लगाओ, जो नाम आपकी मर्जी है वही नाम यहाँ पे भी लगाओ, सेट पे भी लगाओ, यहाँ पे हमने तो लगाई है। तो ये लेवरी बनाने का तरीका है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, अल्लाह हाफिज़, खुश रहो।